अभी पंडाल के पास पहुंच चुके हैं। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फाइनली अभी सुबह सुबह जा रहे हैं अवनी को स्कूल छोड़ने, जिसको स्कूल कदमा। देखिए कैसे खुश है पढ़ने जाने के लिए। और ये इसका स्कूल रहा है। कौन से क्लास में? नर्सरी में। नर्सरी में? हाँ। ये नर्सरी में है अभी, अपने क्लासरूम में बैठ गई। और ये इसका क्लासरूम कितना सुंदर, यहाँ से निकल रहे हैं। उसको कदमा स्कूल कैसा है कमेंट में जरूर बताएं। अभी देखा आपने, हर फैसिलिटीज यहाँ पे दिया गया है इस स्कूल में। इधर देख सकते हैं सुबह सुबह कदमा चौक पे, जो कि हर चीज यहाँ पे दिखता हुआ मिलेगा आपको। सब्जी हुआ, चीनी मिट्टी का बर्तन हुआ, या और ये रहा ब्रेकफास्ट। और माता रानी की जय, जय माता दी। और देखिए इधर बाबू दाल का पानी पी रहा है अपने दादी जी के हाथ से। फाइनली गाइस अभी जा रहे हैं अवनी को स्कूल से लाने। और देखिए बहुत ज्यादा इधर धूप है, इसके लिए छत्ता लिया। और देखिए हाथ में आई कार्ड, बिना आई कार्ड को आपको बच्चा नहीं मिलता। इधर के स्कूल का सिस्टम है वो, कोई भी अनजान व्यक्ति किसी बच्चा को लेकर नहीं जा सकता है। बहुत अच्छा ये सिस्टम है। कमेंट में आप बताए कैसा है। बढ़िया आज पानी सब पी गई? नहीं, पानी है अभी। हेलो गाइस, मैं अभी निकल चुका हूँ रेडी होकर आप सबों की सेवा के लिए। दुर्गा पूजा के उपलक्ष में एक बहुत ही सुंदर और भव्य पंडाल बन रहा है, जो कि करोड़ों के लागत से। तो चलिए उस पंडाल के पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है। हेलो गाइस, अभी पंडाल के पास पहुंच चुके हैं और चलिए विस्तार से आपको दिखाते हैं और बताते हैं क्या है, कैसा है, कहाँ का मंदिर है। और उसके पहले एक बार मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाने वाला हूँ। देखने में तो काफ़ी भव्य और सुंदर लग रहा है, तो चीज़ को बारीकी से दिखाते हैं। फाइनली गाइज, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इस पंडाल का भव्य नज़ारा। और देख सकते हैं कैसे इसमें एक एक बारीकी तरह से ये डिजाइनिंग किया गया है। देख सकते हैं ये डिजाइनिंग कितना महीन कारीगरी ये किया गया है। तो खास कर ये कारीगरी आपको कोलकाता और बोले तो झारखंड में ही देखने को मिलेगा। और इसके आसपास का नज़ारा देखिए, इधर लाइटिंग सजावट किया गया है जो कि मेला के वक्त सब। और उससे पहले इधर सामने में देखिए, इसका बहुत ही बड़ा ग्राउंड है जो मेला को लेकर तैयारी पूरे धूमधाम से चल रही है। सामने बाहर में देख सकते हैं झूला की तैयारी चल रही है, जो कि हाइड्रो मशीन से बड़ा बड़ा क्रेन से देखिए झूला को लगाया जा रहा है। तो फाइनली गाइस, अभी मैंने आपको बाहर से दिखाया, अभी अंदर लेकर चलेंगे। और उससे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर आके मैं कारीगरों से बात किया कि ये कहाँ का मंदिर है और कहाँ का डिज़ाइन है। तो कारीगर लोगों को खुद पता नहीं है कि ये कहाँ का मंदिर बन रहा है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, कहीं का मंदिर होगा ही या कहीं का स्ट्रक्चर बन ही रहा होगा। और दुर्गा पूजा है तो माता रानी का दरबार है, माता रानी का नाम लीजिए और जय जय माता दी। और चलिए अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं। और पैसा की बात की जाए तो लाखों रुपया खर्च हो रहे हैं, कई लाखों लग रहे हैं, ये भी अनलिमिटेड है। तो चलिए अभी अंदर का नज़ारा हम दिखाते हैं। काफ़ी अंदर भी बेहतरीन तरीके से झूमर या जो भी चीज़ें वो बनाई गई है। और अभी काम चल रहा है, अभी 7 से 8 दिन है, तो अभी बहुत टाइम है। तो 7 से 8 दिन में तो बहुत ज़्यादा कुछ दिखने को मिलेगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसका फुल वीडियो आएगा जब फाइनली ओके हो जाएगा। तो चलिए अंदर लेके आपको हम चलते हैं। और इसके आसपास देख सकते हैं कितना बेहतरीन बैकग्राउंड है, काफ़ी बड़ा और भव्य यहाँ पे। चलिए अंदर लेके चलते हैं और अंदर का क्या डिजाइनिंग वो दिखाते हैं। और पंडाल के अंदर जो भी चीज़ें देखिएगा वो काफ़ी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा एकदम फ्रेश मिलेगा, फुल्ली फ्रेश। हर चीज़ जो भी वर्क किया गया है वो एकदम कोर से लेकर हर चीज़ काफ़ी बेहतरीन, थोड़ा भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है कि ये अच्छा नहीं है। और ये देखिए ऊपर जो POP का डिजाइन बनाया गया है वो माय गॉड माइंड ब्लोइंग, रियल का रियल एकदम सेम टू सेम लग रहा है। और इधर सामने में देखिए ये मूर्ति रखी जाएंगी, ये मूर्ति का स्पेस है। और कल का वीडियो इससे भी दमदार आएगा, क्योंकि कल एक ऐसे जगह जाएंगे जहाँ पे सिर्फ बांस की फट्टी की पंडाल बनाई गई है। और ये छोटा सा ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जमशेदपुर की हर वो पंडाल हम दिखाएंगे जो कि अपने आप में एक अद्भुत है और बहुत पैसे के लागत से बना हुआ है। और एक बार मैं आपको पीछे से नज़ारा दिखा देता हूँ, भले आगे में जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है छोटा ही है, आपको देख के पता चल जाएगा कितना बड़ा पंडाल है और अंदर कैसे कैसे मूर्तियाँ, कितनी अनोखी अनोखी मूर्तियाँ रखी जाएंगी माता। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से अब डेली पंडाल का ही वीडियो आएगा, जो कि जमशेदपुर के हर VIP पंडाल, जो बड़े बड़े पंडाल बन रहे हैं उनको हम दिखाएंगे। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा।
और आज के ब्लॉग में इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।